और ये गया कैसे है पता है? मतलब ये चाकू है ना, जो इस चाकू की धार लगा रहा था मैं, ठीक है, इसको पहना कर रहा था क्योंकि इसके जंग लग गई थी, और ये गलती से चाकू इधर आके गिर गया भाई, ये पूरी उंगली कट गई यहां से, और भाई एकदम से ना फुंवारा निकला खून का, ठीक है, और वो वाशिंग में खून ही खून हो गया पूरा, इधर भी खून हो गया, तो बहुत ज्यादा खून निकला था भाई। ये इधर देखो यार, फ्लूड सा जम गया एकदम, मतलब खून का देख रहे हो, ढेरी सी लग गई एकदम, कितना ज्यादा खून निकला यार। और ये वाशेशन देखो, मैं तो धो दिया यार, अरे ये देखना यार, ऐसे एकदम फ्लूड जैसा जम गया यार, ये हाथ और पूरा का पूरा गया, अब सलग काम और नहीं होगा, पहले ही दांत टूट गया था, दूसरा पंगा ये और हो गया। मैंने उसको उठाया, मैंने कहा यार इसके ना जंग सी लगी हुई है, तो इसकी जंग सही कर देता हूँ और थोड़ा इसको घिस्सा देता हूँ। भाई मेरे को क्या पता था, ऑलरेडी इतना ज्यादा पैना चक्कू था, वो लोहे का और था, ठीक है, तो मैं उसकी वो घिस रहा था, इतने में वो गलती से ना स्लिप हो गया हाथ से, तो इसलिए यार ये चक्कू वक्कू से मत पंगे लेना यार, मेरा तो पता नहीं दिमाग हिल गया था, जो मैं अच्छा वाला चक्कू के धार लगा रहा हूँ। ये देख रहे हो फ्लूड सा बाहर आ रहा है वापस, कोई ऐसे ज्यादा तो नहीं कटगी क्या नस वस? ये देख रहे हो ये कितना पैना है। हम आए थे, ये जो यूनिवर्सिटी का खुद का जिम है ना, जिसके आप लोग 4,000 रुपये देते हो, ठीक है, हाथ टुटवाने के बाद हम सोचे कि यार जिम जिम देख के आते हैं, आज क्या सीन है जिम का। और आप लोगों को व्यू दिखाया था ना स्विमिंग पूल का, उधर से दिखाया था, वो नीचे वाला डोर है ना, वो देखो वो रहा, उधर से दिखाया था वो, और ये है स्विमिंग पूल बड़े वाला, और ये छोटे वाला, ये आपने देख रखा ऑलरेडी भाई, ये देखो जिम देखो आप, तो कौन कौन सी मशीन है यहाँ पे, रहने दे बाटी, रहने दे देर से ना होगा। ये भी है यार मशीन ने तो यार, वैसे इधर देखा जाए ना खूब है भाई, सारी की सारी चीजें हैं। ये देखो यार चेस्ट की भी है, साइकिलें भी है भाई, और ये भी है, सारी है, नाम भूल गया भाई मैं तो जब से जिम छोड़ी। ये भी लगा हुआ इधर, बस है ना एसी वगैरह नहीं मिलेगा इधर, पंखे लगे हुए। ये थाई की है देख रहे हो, बहुत तगड़ी मशीन है ये भी, ये बैक की दे रखी है, ये बैठ के डंबल वम्बल मार लो। ये देखो एक डंबल का रैक इधर भी है पूरा का पूरा, डंबल भी सारे हैं भाई 40 किलो तक हैं एक तरीके से भाई, जिम तो ये भी सही है। मैं अभी एकदम सबसे लास्ट में आ गया, ठीक है, और इधर से पूरी की पूरी जिम दिख रही होगी, इधर कोने से चालू कर दूंगा, हर एक चीज बता दूंगा कि इधर क्या क्या है, ठीक है। मैं नाम भूल गया यार, भागने वाली होती है ना जो आप रनिंग वगैरह करते हो मशीन के ऊपर, वो है ये, और ये है साइकिल, देख रहे हो 4 साइकिलें रखी हुई इधर, ठीक है, उसके बाद ये एक बेंच पड़ी है यहाँ पे, ये 2 हो गई, 3 है 3 है, और एक ये ट्रेडमिल, यार याद आ गया ट्रेडमिल बोलते हैं इसको, और एक ये री भागने की, साइकिलें इधर भी रखी हुई है बहुत सारी, और ये बॉक्सिंग वाला हो गया, उसके बाद ये पता नहीं क्या चीज़ है यार, मैं तो नाम भूल गया भाई, जब से बहुत टाइम हो गया यार जिम करी नहीं, तो मेरे को नाम भी नहीं पता। ये देख रहे हो पूरा का पूरा जुगाड़, उसके बाद ये हो गया आपका थाई की एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो है, ये थाई वाला है, और ये बेंच वगैरह हो गई, ये लेग की एक्सरसाइज कर ले करने के लिए, लेग कर्ल करते हैं ना भाई, इससे लेग कर्ल करते हैं ना, एक्सटेंशन वगैरह जो भी है वो वाली है ये, और ये थाई की एक्सरसाइज, भाई मशीनें तो अधिकतर ना सारी है, मेरे को बहुत सारी मशीनों का पता भी नहीं है, बट वो भी है इधर।
जी सर। और ये अपने पाजी, ये देखो इनकी बॉडी देखो पाजी, एक बार थोड़ी सी बॉडी दिखा दो ऐसे बाइसेप का पोज करके दिखा दो, मस्त देख रहे हो पाजी का बाइसेप एकदम जबरदस्त। ये बैक की एक्सरसाइज चल रही है इधर, और ये डंबल की पूरी रैक है, ये बैठने का है, आप बैठ जाओ आराम से, डंबल वम्बल मार लो। ये थाई का, हाँ क्या चीज़ है, स्विथ मशीन है, तो स्विथ मशीन बोलते हैं। अच्छा स्विथ, हाँ मैं तो भाजी ना जब से जिम छोड़ी है सारे के सारे नाम भूल गए इनके। बटरफ्लाई कौन सी, ये बटरफ्लाई है, हाँ चेस्ट की होती है ये, और ये पता नहीं यार कौन सी है, मतलब बाइसेप वगैरह सारी लग जाएंगी इधर से। ट्राइसेप पुलिंग मशीन, अच्छा अच्छा ये देखो इधर बहुत और भी तगड़ा जुगाड़ है यार, मशीन ने सारी है इधर, ऐसा कुछ नहीं है कि मशीन ने नहीं मिलेगी आपको, उधर जैसे ही है सेम टू सेम इधर भी चीजें। यार वहां पे ना काम पे उस वाली रैक पे ना पिछली बार पूरी वीडियो बना दी और पूरा फोन का स्टोरेज ही फुल हो गया यार, इसलिए वापस बनानी पड़ रही है अब। ये देखो ये क्या कर रहा है भाई, ये देखो यार इस बहुत बहुत बड़ा है टायर सा, और यहाँ पे भाई कोई एक्सरसाइज कर रहा है शायद, तक डेडलिफ्ट कर रहे हो भाई, डेडलिफ्ट बहुत बढ़िया है। और यार अभी वो पिछली वीडियो में ना ये स्विमिंग पूल का भी बताया था, एक ये वाले स्विमिंग पूल है यहाँ पे जो डेप्थ बहुत ज़्यादा है जिसकी, और वो है बहुत ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ा वही है स्विमिंग पूल इधर, ठीक है। अभी एक स्विमिंग पूल और अंदर जिसमें पानी भरा है वो भी दिखाऊंगा, एक ये रहा एक ये रहा। ये पता नहीं क्या यार, ये मेरे को लग रहा है ऊपर से नीचे कूदता है ना, वो वाला है सीन इसका थोड़ा सा। तो भाई कुछ इस तरीके का है आज जिम, आप लोगों ने बोला था ना कि अंदर वाला जिम कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है भाई। तो अब मैं यहाँ पे ही वीडियो को ख़त्म करता हूँ और स्विमिंग पूल की तरफ लेके चलता हूँ उस वाले पे, ठीक है। वो रहा इधर से कुछ रास्ता है, ये देखो यहाँ से तो पूरी वीडियो बना दी, अब ये कोई नीचे रास्ता जा रहा है, मेरे को नहीं पता कहाँ जा रहा है ये, बट इस रास्ते पे चल के देखते हैं। ये रास्ता कुछ नीचे की तरफ जा रहा है, बंद है तो यहाँ से खोल लेना, ओपन ही तो है। अरे यार बाहर से कुंडी लगी हुई है, देख रहे हो, ये देखो रोड सी, गलती से हम ना ये देख रहे हो सीढ़ियां चढ़ के और एकदम ना ग्राउंड फ्लोर पे आ गए थे, वो गेट बंद था उसके बाद और नीचे आ गए थे, तो ये देख रहे हो पूरा का पूरा माहौल भाई। ये ना वो प्यूरीफायर और वो है क्लीनिंग के लिए स्विमिंग पूल की, मेरे को जहां तक लग रहा है, देख रहे हो मामला, देखो यार कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं भाई, अंडरग्राउंड देखो तुम तो कितना ज्यादा है, आप भी सोचोगे क्या क्या दिखा रहे हो यार भाई। चलो अब चलते हैं वापस। आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखा होगा फ्रंट से, ठीक है, और ये उसका बैक है, मतलब बैक की जगह है जहाँ पे फूड कोर्ट्स वगैरह दिखाए थे ना आपको, और सामने BH2, ठीक है, तो ये बैक वाला है, और ये सीढ़ियाँ स्टेयर्स ऊपर चढ़ के आओगे तो ऊपर आपको ये मिल जाएगा जिम जो कि यूनिवर्सिटी का है। ये देखो यार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और ये सारा कुछ लिखा हुआ है इधर। ये हम अपना नीचे की तरफ आ गए, फर्स्ट फ्लोर जो है उधर आ गए, यहाँ पे स्विमिंग पूल का जो है सीन उधर आ गए। पिछले व्लॉग के अंदर भी स्विमिंग पूल वाला कोई सीन होएगा भाई, ये देखो खाली पड़ा है ये वाला तो, और वो जो नीचे अंडरग्राउंड में भी मशीनें सी दिखाई थी ना वो स्विमिंग पूल की सफाई वगैरह के लिए भाई, वो रहा गेट उधर गए हुए, वो गेट है वहां पे, अरे उधर उस बड़े वाला डेप्थ वाला स्विमिंग पूल है थोड़ा सा। हाँ ये देख यार ये तो बहुत ज्यादा गहरा है यार, इसको ऑलरेडी व्लॉग बना रखा है, मतलब ये व्लॉग में है बट वापस देख लो क्या हो गया।
वाला है भाई स्विमिंग पूल। ये देखो वो वाली जो विंडो है ना, वो विंडो है, वो बाहर से हम जब आते हैं ना, जो हमको दिखता है पानी है ना, देखो यार बहुत ज्यादा, मतलब साफ सा ही है यार, देखो गंदा नहीं है पानी एकदम, ऐसा भी नहीं कह सकते कि पानी गंदा हो। और बहुत सारे बंदे स्विमिंग कर रहे हैं अभी, तो यार भीड़ बहुत कम है। पहले हम एक बार आए थे उधर विंडो से देखा था, बहुत ज्यादा भीड़ थी यार इधर, बट माहौल देख रहे हो कितना मस्त है यहाँ पे। ये रे कोच साहब जो आपको स्विमिंग सिखाएंगे, तो सर आप थोड़ा बताओ, मतलब कुछ बताओ स्विमिंग पूल के बारे में, ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए, बढ़िया। मतलब फीस वगैरह कितनी है? फीस वगैरह वहाँ से पता, मतलब आप सिखा दोगे? हाँ सिखा, तो सर आपको स्विमिंग सिखा देंगे मस्त। और भीड़ वगैरह ज़्यादा रहती है यहाँ पे? नहीं भीड़ इधर मतलब ठीक ठाक सी है, ये सीखने के लिए ना इसलिए डेप्थ कम है इसकी। और बाकी जो दो स्विमिंग पूल है उनमें पानी नहीं है, कारण? तो इसका क्या बताएं, मतलब अच्छा काम चल रहा है, ठीक है ठीक। और ये वाला जो है ना सामने, ये जो आप देख रहे हो, ये जंप करने का है शायद, तक ऐसा ही कुछ है, ये जंप करने का ही है ना, फिर चेयर है क्या ये? मैं देखा इधर से जंप करना है, इसके ऊपर खड़े हो जाओ उसके बाद डाई मारो, ऐसा कुछ नहीं है बैठने के लिए वो? अच्छा अच्छा, तो वैसा कुछ नहीं है भाई, मैं गलत बता रहा था आप लोगों को यार। माहौल बढ़िया हो रखा है यार इधर, क्यों बाटी भाई, हम लोगों का भी मन कर रहा है यहाँ पे आने का, हम लोग भी आ जाएंगे इधर से। तो भाई आज आप लोगों को स्विमिंग पूल भी दिखा दिया, ठीक है, और जिसमें पानी था भाई वो वाला दिखाया, ठीक है। एक बंद बहुत बंदों ने कमेंट करा था, बहुत मतलब यार दो तीन बंदे ही हैं, वही है मेरे लिए बहुत, ठीक है। तो उन बंदों ने कमेंट करा था कि स्विमिंग पूल का क्या सीन है, तो भाई दूसरे वाले में पानी था नहीं उस टाइम पे, अब इसमें पानी है, इस वाले में पानी है, बाकी दो में अभी भी पानी नहीं है, उसका काम वगैरह चल रहा है। ओ भाई फिसल जाता अभी भाई मैं, वैसे ही हालत ख़राब हो रही है, आपको पता है पहले दांत टूट गया, उसके बाद ये उंगली गई, ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है। चल ठीक है, जो भी होता है बढ़िया ही होता है, इसलिए पंगे ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होएगा ही यार। तो माहौल बहुत जबरदस्त है यार, ये अपना चांद है, सभी फूड कोर्ट बंद हैं, ये तो खैर बंद ही रहते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि टाइम शायद तक 3:30 का है, टाइम बताइयो 3:32 है। ये देखो दोस्तों व्यू रात का, सामने चांद, साढ़े तीन बजे का व्यू, कितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, कुछ ही बच्चे हैं सिर्फ। बर्गर मत लेना, मतलब मत लेना, एकदम चेतावनी के साथ कह रहे हैं बर्गर मत लेना, इससे बढ़िया तो अनमोल खुद बना ले, क्यों अनमोल? मजा नहीं आया भाई एकदम, समझ जाओ यार, हैं वेस्टेज ऑफ मनी है एकदम, समझ रहे हो भाई ने कह दिया वेस्टेज ऑफ मनी, समझ रहे हो।